मणिपुर की घटना पर बोली पीएम मोदी, मन क्रोध से भरा, 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार होना पड़ा, किसी गुनाहगार को बख्शेंगे नहीं। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर आपत्ति, दिल्ली के थाने में हुई शिकायत, कहा चुनाव में गलत इस्तेमाल होगा, 26 पार्टियों पर कार्रवाई हो। मणिपुर में भीड़ ने दो महिलाओं को नग्न घुमाए गैंगरेप, का आरोप, केंद्र ने कहा फेसबुक और ट्विटर पर वीडियो शेयर न करें। मणिपुर की घटना को लेकर प्रियंका गांधी का फूटा गुस्सा, कहा महिलाओं के साथ घटी इस भयावह हिंसा की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री आखिर मणिपुर के हिंसक घटनाओं पर आंख मूंद कर क्यों बैठे हैं। मणिपुर में हुई महिलाओं पर अत्याचार को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है, बोली पीएम की चुप्पी और निष्क्रियता ने अराजकता की ओर धकेल दिया है। मणिपुर को लेकर राहुल गांधी का फूटा गुस्सा, कहा इंडिया चुप नहीं रहेगा, हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं, शांति में ही एकमात्र रास्ता है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना, अगर आप मणिपुर पर नहीं बोलते हैं तो आप संसद को बाधित करने के आरोपी होंगे। मणिपुर की घटना को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार पर कसा तंज, मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि वो मणिपुर के हालातों पर ध्यान दें। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का एनडीए पर बड़ा हमला, कहा पीएम मोदी झूठ गुरु चेताया और पूछा कि क्या मौत की घंटी सुन सकती है। अमित मालवीय को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत, राहुल गांधी के खिलाफ पोस्ट किया था अपमानजनक वीडियो। कर्नाटक विधानसभा के मौजूदा सत्र से 10 बीजेपी विधायक निलंबित, बसंत गौड़ा पाटिल हुए बेहोश, पुलिस हिरासत में मुंबई। अहमदाबाद में जगुआ ने भीड़ को रौंदा, 9 की मौत, 15 लोग घायल, ट्रक थार की टक्कर के बाद भीड़ जमा हुई थी। सियाचिन ग्लेशियर में आग लगने से आर्मी अफसर शहीद, 3 जवान झुलसे, चंडीगढ़ लाया गया, हथियारों के बंकर में शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड, बाढ़ से 8 लोगों की मौत, महाराष्ट्र के रतनगिरी में पहाड़ों से चट्टाने गिरी, बाजार डूबा, एनडीआरएफ की भारी टीमें तैनात रही। सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटे अफसर, रंगे जा रहे पुल, भरे जा रहे सड़कों के गड्ढे, आसपास के गांव में भी साफ सफाई कराई जा रही है। सीएम योगी ने कैप्टन अंशुमान को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व एक सदस्य को नौकरी। अखिलेश यादव बोले समावेशी विपक्षी गठबंधन इंडिया से घबराई भाजपा, ये हमारी सेकुलर सोच का प्रतिबिंब। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा बोले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे पीएम सहित बड़े चेहरे, होगी पुष्प वर्षा। मुख्तार की सरजमी पर मोहन भागवत, पूर्वांचल के में सांसद की रिपोर्ट लेंगे आरएसएस प्रमुख, 27 लोकसभा सीट वाले इस क्षेत्र में 6 सीटें हार गई थी बीजेपी। दस फीट रोज पीछे खिसक रही है गंगा आरती की जगह, मणिघटिका घाट की सीढ़ियों से हटाई जा रही है लकड़ियां, गंगा पर रेती जाने पर रोक है।
मां बहन के हत्यारे आरिफ ने आईएसआई से सीखी कट्टरता, कॉन्वेंट पास आउट ने अल्लाह अकबर बोलते हुए चमड़ा चापड़ से काटा। सियाचिन में लखनऊ के अंशुमान शहीद एएफएमसी टॉपर बने थे डॉक्टर, जेसीओ पिता एक साल पहले हुए सेना से रिटायर। यूपी में महंगी होंगी बिजली, कंपनियां 15 अगस्त तक फाइल करेंगी प्रस्ताव, 3 करोड़ 28 लाख उपभोक्ताओं पर होगा असर। गोरखपुर शहर में बनेगा पहला मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 23 जुलाई को सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। बाराबंकी में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, गोली लगने से हुआ घायल, 20,000 का था इनामी सिपाही पर चाकू से किया था जानलेवा हमला। शाहजहांपुर में तालाब में डूबकर 2 सगी बहनों की मौत, नहा रहे बच्चों को देखकर दोनों तालाब में उतरी थी, गहरे पानी में जाने से गई जान। दहेज उत्पीड़न में वाणिज्यकर स्टोनो समेत 4 को सजा, अमरोहा में तैनात स्टोनो सुरेंद्र कुमार को 2 साल की सजा, माता पिता और भाई भी दोषी। कानपुर देहात में पति पर मारपीट, गाली गलौज का मुकदमा, पत्नी बोली शराब के नशे में धुत होकर रोज करते थे मारपीट, बच्चों को देते हैं गाली। गाजीपुर में आरएसएस प्रमुख ने कराई नवग्रह पाटिका की स्थापना, हत्याराम मठ में पूजन कर नवग्रह के पौधे लगाए, मिर्जापुर के लिए हुए रवाना। जालौन में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, युवक की मौत, दवा लेकर औरैया से लौट रहा था। महाराजगंज में बीजेपी विधायिका का फेसबुक अकाउंट हैक, प्रोफाइल पर लगी लड़की की फोटो, केस दर्ज, एसपी ने साइबर सेल को जांच सौंपी। मेरठ में महिला ने चौकी पर किया हंगामा, बोली पुलिस सट्टे खेलने को बोलती है, पैसे मांगती है, घर में घुसकर 50,000 ले गई। फरुखाबाद में टीवी को लेकर किया जा रहा जागरूक, अधिकारी बोले इलाज संभव है, भ्रांतियों से दूर है, बीमार की हर संभव मदद किया जाए। पूर्व चेयरमैन ने सपा कार्यकर्ताओं संघ जिला सचिव को पीटा, नपा चुनाव में सपोर्ट न करने की बात पर हुई थी कहा सुनी। बदायूं में विवाहिता की मौत, ससुरालियों पर हत्या का आरोप, परिजन बोले गला घोट कर बेटी को मार डाला। सड़क की बदहाली, झेल बस्ती के 50 गांव, गड्ढे बने जानलेवा, ग्रामीणों ने की मरम्मत करवाने की मांग। ललितपुर में करंट लगने से 13 मवेशियों की मौत, हाई टेंशन लाइन टूटकर सड़क पर गिरा, बिजली की चपेट में आए मवेशी, ग्रामीणों ने आर्थिक सहायता की मांग की। नोएडा में 15 दिन के लिए लगी धारा 144 सार्वजनिक स्थल पर पूजा और नमाज पर लगी रोक, ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध। मेरठ में अश्लील कमेंट पर विरोध करने पर पिटाई, दबंगों ने पीड़ित परिवार पर किया हमला, तमंचे के बट से वार किए। फिरोजाबाद में भाकियू भानू ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, बोले बाजरा किसानों को मिले फसल का पूरा भुगतान, नहीं तो होगा आंदोलन। बिजनौर में धान की खेत पे दलहल में फंसा हाथी, वन विभाग व पुलिस की टीम हाथी को निकालने में जुटी, बारिश में खेतों में है दलदल।
अमरोहा पुलिस की गो तस्करों से मुठभेड़, इनामी गो तस्कर के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार, दिल्ली से तस्करी कर लौट रहे थे। प्रयागराज में खुदाई से सोने चांदी के सिक्के भरा पड़ा खड़ा मिला, ठेकेदार मजदूरों ने आपस में बांटे, मालिक ने पुलिस आयुक्त से की शिकायत। कोर्ट ने दो अभियुक्तों को सुनाई 7-7 साल की सजा, 11 साल पहले घर से बुलाकर पहले शराब पिलाई, फिर पीट पीट कर दी हत्या। चमोली हादसा को लेकर गोपेश्वर अस्पताल पहुंचकर सीएम धामी ने जाना झुलसे पीड़ितों का हाल, दिया हर संभव मदद का भरोसा। सीएम के गोपेश्वर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग। सीएम धामी ने दिए करंट लगने से हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, 5-5 लाख रुपए मुआवजा की घोषणा की है। उत्तराखंड में पानी ज्यादा होने से कल्याणी नदी में डूबा युवक, तलाश में जुटी एसडीआरएफ, नहीं लगा कोई सुराग। उत्तराखंड में 12 घंटे चिकित्सकों की निगरानी में रहेंगे हादसे में झुलसे 6 लोग, विशेषज्ञों की टीम गठित। उत्तराखंड में एसएसपी ने किया पुलिस कार्यालय की शाखाओं का औचक निरीक्षण, अदालत मिले 23 कर्मचारियों का रोका वेतन। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया सोमेश्वर देवता का मेला, ग्रामीणों ने देव डोलियों के साथ किया रासोर तांदी नृत्य। महाराष्ट्र के 4 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, रायगढ़ में चट्टान खिसकने से एक गांव के 48 घर बहे, 10 की मौत, 120 लोग मलबे में दबे। करतारपुर कॉरिडोर के पास फेंसिंग डूबी, रावी में जयंडे डैम से पानी छोड़ा, ब्यास का खुशी बांध टूटा, भाखड़ा का जलस्तर 1648 फीट पहुंचा। हिमाचल में बारिश मचा रही था भाई, किन्नौर में फ्लैश फ्लड, 10 ज्यादा गाड़ियां डैमेज, झाकरी व शिलारू में हाईवे बंद, सतलुजा का जलस्तर बढ़ रहा है। हिमाचल में नाले में बहने से 2 की मौत, 96 घंटे के लिए येलो अलर्ट, चंडीगढ़ मनाली एनएच तीसरे दिन बहाल, टीओक के स्कूल 22 दिन तक बंद। बारिश ने बदली अरावली की सूरत, रेवाड़ी में हिल स्टेशन की तरफ वाटरफॉल शुरू, लुत्फ उठाने पहुंचे रहे सैलानी। पंजाब के 7 गांव का देश संपर्क कटा, गुरदासपुर में भारत पाक सीमा पर नाव चली बंद, पटियाला में छत गिरने से 2 मरे। प्रेम प्रसंग में 2 लोगों ने दलित पर पेशाब किया, आंध्र प्रदेश की घटना, पीड़ित और आरोपी बचपन के दोस्त, 6 आरोपी गिरफ्तार। चंद्रयान 3 के बाद सूर्य के पास पहुंचने की तैयारी, लॉन्चिंग अगले महीने संभव, दुनिया भर से अब तक 22 सूर्य मिशन के लिए भेजे जा चुके हैं। विमेंस फीफा वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड में गोलीबारी, 2 की मौत, नॉर्वे की टीम होटल के पास हुई फायरिंग, टूर्नामेंट पर असर नहीं। चांद पर इंसान के कदम रखने के 54 साल, नासा ने खर्च के 2 लाख करोड़, अमेरिकी नेवी अफसर ने ही मिशन पर सवाल उठाए। इराक की स्वीडिश एम्बेसी में घुसे प्रदर्शनकारी, लगाई आग, कुरान चलाने का विरोध, भारत ने इसी मुद्दे पर दिया था पाकिस्तान का साथ।
के खिलाफ एकजुट हो रहा पश्चिमी देश, अब जर्मनी चीन पर निर्भरता खत्म करेगा, रिसर्च में भी साथ नहीं देगा। अमेरिका ने नहीं गिराई थी इमरान की सरकार, खान के चीफ सेक्रेटरी रहे आशिम बोली, पूर्व पीएम झूठे, वो मुल्क के खिलाफ साजिश रच रहे। ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं होंगे पुतिन, रूस में फॉरेन मिनिस्टर अटेंड करेंगे मीटिंग, रूसी राष्ट्रपति को गिरफ्तारी की आशंका थी। का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का, भारतीय पासपोर्ट 80 स्थान पर है, दुनिया में चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट पाकिस्तान का। शेख हसीना के खिलाफ सड़क पर उतरे हजारों लोग, 13 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला, बांग्लादेश पीएम से इस्तीफा मांगा। चीन के वुहान लैब की फंडिंग बंद, अमेरिका बोला जांच के लिए डॉक्यूमेंट्स मुहैया नहीं कराए, जिनपिंग सरकार डेटा डेट भी डिलीट किया। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता घोषणा की, रूसी आक्रमणकर्ता को जवाब देने की तैयारी। रिलायंस का फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस हुआ अलग, रिलायंस का शेयर 2580 पर सेटल हुआ, जियो फाइनेंशियल का शेयर प्राइस 261 तय हुआ है। अमेरिकी म्यूजियम में दिखेगा भारत का 600 साल का इतिहास, श्री एंड्रू सपोर्ट एग्जीबिशन में शोकेज होंगी 125 ज्यादा कलाकृतियां। मेटा ने AI लैंग्वेज मॉडल लामा 2 लॉन्च किया है, चैट जीपीटी और गूगल के बॉट को टक्कर मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है। टाटा ग्रुप यूके में लगाएगा ईवी बैटरी प्लांट, 36,800 करोड़ से अधिक का निवेश करेगी कंपनी, यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट होगा। रियलमी ने लॉन्च किया 9,999 में 4G स्मार्टफोन, C5 सेट में मिलेगा 108 MP का कैमरा, रियलमी बैटरी टैबलेट भी पेश किया जाएगा। सत्ताईस जुलाई को मिलेगी किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त, 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम मोदी ट्रांसफर करेंगे 2,000 रुपए। हीरो मोटो कार्प ने एक्सट्रीम 200S 4V लॉन्च, स्पोर्ट्स बाइक में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे एडवांस फीचर, कीमत 1.41 लाख। चीन से अधिक GDP 6.4% रहेगी भारत के विकास दर, ADB ने देश वृद्धि दर अनुमान को बरकरार रखा है। नरेश गोयल के ठिकानों पर ईडी ने दी दबिश, महाराष्ट्र में अनिल परब की 10 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। कोरोना से उबरकर मजबूत बना भारत, अजय बंगा बोले कुछ महीनों के वैश्विक बंदी का देश पर नहीं होगा असर। इंडिया ने पाक ए को 8 विकेट से हरा, इमर्जिंग एशिया कप में लगातार तीसरी जीत, साइद दूरदर्शन ने 6 छक्के मारकर शतक बनाया। पहला टेस्ट पाकिस्तान ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त, सऊद शकील का दोहरा शतक। बैडमिंटन कोरिया ओपन में HS प्रणय और प्रियांशु राजावत राउंड ऑफ 16 में पहुंचे, PV सिंधु टूर्नामेंट से बाहर। ICC ने जारी की टेस्ट रैंकिंग, रोहित जडेजा को 3 स्थान का फायदा, आर अश्विन गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप पर बरकरार।
एशिया कप का शेड्यूल जारी। 2 सितंबर को भारत पाक मुकाबला कैंडी में होगा मैच। 17 सितंबर को कोलंबो में फाइनल। चौथा एशिया टेस्ट का पहला दिन लाबुशेन और मार्च के अर्धशतक। वोक्स ने लिए 4 विकेट पहली पारी में। ऑस्ट्रेलिया ने 299 पर 8। बजरंग विनेश को ट्रायल छूट विवाद में ब्रजभूषण की एंट्री। बोले ये फैसला कुश्ती को गर्त में मिला देगा। विश्व कप ट्रॉफी को निहारते दिखे शाहरुख खान। आईसीसी ने शेयर की खास तस्वीर। 5 अक्टूबर से शुरू होगा वर्ल्ड कप। स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट में हासिल किए 600 विकेट। यह कारनामा करने वाले 5वें गेंदबाज बने। आईपीएल को अलविदा कह सकते हैं रसेल। वेस्टइंडीज के लिए जीतना चाहते हैं वर्ल्ड कप। मेजर लीग क्रिकेट में दिखा रहे हैं रसेल जलवा। फिल्म बवाल को जापानी में डब कराने की मांग। जापानी लोगों की मेकर से अपील। कुछ फिल्म का पार्ट वर्ल्ड वॉर टू से प्रेरित है। व्हाइट सलवार सूट में गॉर्जियस दिखे जानवी कपूर। को स्टार वरुण धवन के साथ दिए पोज। फैंस बोले बवाल जुड़ी। राज कुंद्रा करेंगे एक्टिंग डेब्यू। अपनी बायोपिक में खुद निभाएंगे लीड रोल। बिजनेसमैन ने पोर्न स्कैंडल पर आधारित होगी फिल्म। सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रीगा चक्रवर्ती को बड़ी राहत। बेल वाले फैसले को एनसीबी चुनौती नहीं देगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2020 में दी थी जमानत। विजय देवरकुंडा को देख स्टेज पर छुड़ा फैन। पैर छूने के लिए आगे बढ़ा शख्स को अपनी तरफ आधा देख घबरा के भागे एक्टर। बच्चों को रितेश जैसा बनाना चाहती है जेनेलिया। बोली उन्होंने कमबैक के लिए मोटिवेट किया। वो महिला की तरक्की से परेशान नहीं होती। ₹50 उधार मांगने पर दोस्त ने की बेइज्जती। वो बोला तू क्या चुकाएगा जा तुझे दान दिया। मनोज वाजपेयी ने शेयर किया किस्सा। बेबी बॉय के पिता बने टॉर्चर एक्टर वसल सेठ। शादी के 5 साल बाद इशिता ने दिया बच्चे को जन्म। सच हुई मौसी तनुश्री की भविष्यवाणी। स्टाइलिश लुक में दिखी सोनम कपूर। रेड मैक्सी गाउन में आई नजर। स्माइल करते हुए प्रोची को दी पूछ। यूरोप वेकेशन से वापस लौटे आदित्य अनन्या। एयरपोर्ट पर अलग अलग स्पॉट हुआ रोमट कपल। ग्रे आउटफिट में दिखी ट्विन। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।